नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ का एक्सरसाइज 19A का क्वेश्चन नंबर 3 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तो देख रहे थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों हम लोग कह रहा है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन हम लोग दिया गया dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये हो जाएगा हम लोग को dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स एज इट इज प्लस। देखिए इसमें से और इसमें से हम लोग क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। ये हो जाएगा हम लोगों को y कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे। तो देखिए इसमें से और इसमें से हम लोग क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है। यहाँ से 1 प्लस एक्स यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस वाई। अब दोस्तों देखिए हम लोग अभी कर रहे हैं इसमें वेरिएबल एंड सेपरेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। वेरिएबल एंड सेपरेशन मेथड का मतलब हो गया कि dy के साथ y वाला टर्म रहेगा और dx के साथ क्या रहेगा, x वाला टर्म रहेगा। तो देखिए यहाँ पे dy और dx इक्वल टू इतना है, तो आप इसको क्या कीजिए, बाई 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर लीजिए, सुविधा होगा। यहाँ से देखिए dy इक्वल टू हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाला टर्म कौन है, यहाँ पे एक्स वाला टर्म यहाँ पे है 1 प्लस एक्स, इसमें एक्स है और डी एक्स, इसको हम लोग क्या कर एक साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू ये 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि डी एक्स के साथ यहाँ पे एक्स वाला टर्म आ गया, और हम लोग क्या करें, इसको तो कुछ करना नहीं है, इस वाई वाले टर्म को हम लोग क्या करें, डी वाई की तरफ शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा डी वाई, हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये तो जाएगा डी वाई के साथ में, तीस के साथ, देखिए इसके साथ ये मल्टीप्लाई में धरेगा किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई इक्वल ये 1 प्लस एक्स और इंटू डी एक्स। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल एंड सेपरेशन। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे, अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, ये सेपरेट हो गया, मतलब डी वाई के साथ वाई वाला टर्म आ गया, डिक्स के साथ एक्स वाला टर्म आ गया, अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे। लिखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वी गेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एल एच एस यानी कि डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स विथ इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन साइन हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लीनियर फंक्शन है, ये क्या लीनियर फंक्शन है, तो जिस तरह से देखिए डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स होता है। यदि हम लोग यहाँ पे लीनियर फंक्शन रहेगा उसका क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग मॉड एक्स की जगह भी समझिए कि पूरा है, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करें, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1 इंटू डी एक्स, देखिए 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, तो एक्स का पावर एन का फॉर्मेट लगाएंगे तो एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। यहाँ दोस्तों फिर समझिए कि दो टर्म यहाँ पे था, तो 1 से डी एक्स को मल्टीप्लाई किया हो जाएगा डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग दिया गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन रही है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 माइनस एक्स, देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा इसमें, यहाँ पे वाई कॉमन तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ये माइनस, वाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो वाई हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। देखिए इसमें ये पहला टर्म है और ये पूरा क्या दूसरा टर्म है, तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, वन माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, वन माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो वन माइनस एक्स यहाँ से हट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वन और ये हो जाएगा प्लस वाई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल एंड सेपरेशन मेथड से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका मतलब हो गया कि डी वाला टर्म एक साथ रहेगा, डी एक्स वाला टर्म एक साथ रहेगा, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू इतना है, तो इसके नीचे हम क्या कीजिए, बाई वन कर लीजिए और यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई इक्वल टू ये वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस वाई और इंटू हो जाएगा डी एक्स। इससे आगे देखिए डी वाई इक्वल टू, देखिए एक्स वाला टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके साथ हम लोग डी एक्स रख लेते हैं, इसको एज इट इज लिख लीजिए वन प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए वेरिएबल एंड सेपरेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी एक्स के साथ एक्स वाला टर्म रखेंगे और डी वाई के साथ वाई वाला टर्म रखेंगे, तो डी एक्स के साथ एक्स वाला टर्म तो आ चुका है, तो यहाँ से ये टर्म क्या होगा, हटेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा यहाँ पे डी वाई अपॉन में ये वन प्लस वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। यहाँ पर लिख लीजिए कि वेरिएबल वेरिएबल एंड सेपरेशन, और हम क्या करें यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। इससे आगे देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ ये डी वाई अपॉन में वन प्लस वाई इक्वल टू ये वन माइनस एक्स इंटू डी एक्स विथ इंटीग्रेशन के साथ। अब यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन में वन प्लस वाई ये लीनियर फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये लॉग मॉड वन प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू देखिए वन इंटू डी एक्स हो जाएगा डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है एक्स इंटू डी एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फोर का, क्वेश्चन फोर का आंसर क्या है, लॉग ऑफ मॉड वन प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।